तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें चल रही थी। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने दो चीज़ें आपके लिए छोड़ी थी, एक था यार याद दिला दो, हाँ याद आ गया, एक था ली चैटलर प्रिंसिपल और दूसरा था कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी समझाना। तो ली चैटलर प्रिंसिपल आपके पास में क्या होता है, आप एक को जानते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगी और उधर बढ़ाएंगे तो इधर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, अगर मैं एलसी प्रिंसिपल की बात करूं और मेरे पास में इक्विलिब्रियम आ गया और यहाँ C3 सॉलिड दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, इसकी अमाउंट को बढ़ाने से ये फॉरवर्ड नहीं जाएगी, सॉलिड के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब गैसेस हुआ करता है, कैसा होता है जब गैसेस हुआ करता है, ध्यान रखे रहेंगे दो चीज़ें। दूसरी बात है, एक हमारे पास कंसंट्रेशन की बात आई, दूसरी बात हमारे पास में आती है प्रेशर की। प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर हम वहां जाया करते हैं जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। गैसियस, गैसियस या एक्वस, गैसियस हमारे पास में कम होने चाहिए। गैसियस का मतलब क्या है, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इसका अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना ये हम प्रेशर को बढ़ाने से, या हम अगर बात करते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट को, क्या अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना प्रेशर का ना कंसंट्रेशन का। हाँ, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होता है और साथ में उसकी वैल्यू भी चेंज हुआ करती है, वैल्यू भी चेंज होती है। इन वाले केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, किस केस में, कंसंट्रेशन और प्रेशर में, कंसंट्रेशन और प्रेशर में। जैसे यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आगे जाएगा क्योंकि गैसेस है, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पे तो आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिव मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहा करता है। टेम्परेचर के कारण हमारे पास में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा साथ में उसकी वैल्यू भी होगी, क्यों, क्योंकि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपका क्या होता है, जेड ई की पावर डेल्टा एच आर टी अपॉन टी, ये मतलब टेम्परेचर और हीट पे डिपेंड करा करता है। ठीक है, तो हमारे पास में जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं सपोज करिए, तो टेम्परेचर में हमारा क्या होगा, अगर हमारी हीट दी जा रही है, मतलब रिएक्शन कैसी है, मान लीजिए एक रिएक्शन मेरी ऐसी है जिसको हीट दी, उससे मेरे पास में बी बना, मतलब ए से मेरे पास में क्या बनता है, बी बनता है, ऐसे करके ये उधर गया, दिस इज एंडोथर्मिक, एनर्जी दी जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या आ जाएगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो रहा है साथ में वैल्यू भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज हो रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड जा रही है, तो फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने में के की वैल्यू इंक्रीज होती है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एनर्जी दी जा रही है तो के की वैल्यू इंक्रीज होती है और फॉरवर्ड भी जा रही है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती, मतलब एनर्जी हम इसको निकाल रहे होते, ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन और है हमारे पास में, ए है, ए से मैं बात कर रहा हूं, यहां से एनर्जी को अगर मैं निकाल रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड और के की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव, के इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो बात आती है, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस की बात आती है, क्या कि इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखना इनर्ट गैस दो तरह से यूज करी जाती है। इनर्ट गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव गैस की भी बात हम यहां करा करते हैं, मतलब मेरे पास में अगर कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, यहां पर कोई रिएक्शन चल रही है अंदर P प्लस, ऐसे PCl3 प्लस Cl2, इस केस में अगर मैं इसके अंदर किसी गैस की एंट्री कराता हूं और वॉल्यूम मेरा फिक्स है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया करता है कि बताइए प्रेशर के बढ़ा देने से क्या हुआ या टेम्परेचर के बढ़ा देने से क्या हुआ, तो अल्फा के ऊपर इफेक्ट पड़ा करते हैं, अल्फा के ऊपर इफेक्ट पड़ा करते हैं, ध्यान रखना, लेकिन के इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के कोई इफेक्ट नहीं पड़ते। बार बार कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन, के इक्विलिब्रियम इज कॉन्स्टेंट, अल्फा चेंजेस, ऐसे करके बात आया करती है। तो हमारे पास में क्या होगा कि जैसे हम इसके अंदर इसको एंट्री करा रहे हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने से हमारे पास में क्या होगा, आप कई वाले बच्चे सोचते होंगे प्रेशर इंक्रीज होने से भाई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज होने से तो हमारा क्या होना चाहिए, उधर की ओर आना चाहिए जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या कम है। एक्सप्लेन करने का हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से ठीक है, केसी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट, मतलब PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, नो डाउट ऐसे होने जा रहा है, वॉल्यूम इसमें, वॉल्यूम इसमें, वॉल्यूम इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, मान लिया हमने बात।
लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर केपी के हिसाब से देखें, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पीसीएल 3 इंटू प्रेशर ऑफ सीएल 2 अपॉन प्रेशर ऑफ पीसीएल 5, नहीं? तो कई बच्चे ये कहेंगे कि सर जैसे हम इस गैस को एंटर कराते हैं, कोई भी गैस एंटर करा दी, N2 करा दी, HE करा दी, जो इनसे रिएक्ट ना करे, तो जैसे हमने इसको एंटर कराया तो प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर अंदर की ओर इंक्रीज होगा तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। आपकी बात सोचने की बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए मैं आपको ट्रिक से समझाता हूं। मेरे पास में PCl2 का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है? जैसे हम इसके अंदर N2 को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स बढ़ेंगे। टोटल मोल्स हमारे पास में कैसे होंगे, पहले किस किस के थे, इसके इसके इसके, अब इस बार क्या हो जाएंगे, ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, ठीक है? ये मोल तो मेरे फिक्स हैं, ये मोल इंक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो वी नो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जरा ध्यान दीजिए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, आर मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, तो मेरे पास में क्या हो रहा है, पी अपॉन एन इज इक्वल टू आरटी बाय वी। ये सब कॉन्स्टेंट है, तो पी अपॉन एन की वैल्यू भी मेरी हमेशा के लिए कैसी हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो क्या हुआ, देखिए क्या चीज निकल गई, देखो तो सही, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, मतलब पी अपॉन एन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब पी प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब दिस पी अपॉन एन हमेशा क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। जब पी टोटल लेंगे तो एन टोटल लेंगे, पी टोटल अपॉन एन टोटल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट बना रहेगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, तो सब कुछ कॉन्स्टेंट बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोज कंटेनर है तो उसके अंदर आपका नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब जो रिएक्शन ना करती हो, की एंट्री से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि अगर ये पिस्टन फ्लेक्सिबल हो, मतलब ऊपर की ओर जा सके, यही रिएक्शन हो रही थी और इसके अंदर N2 की एंट्री कर दी, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगी। जैसे ये जाने लगेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब हमारे पास में एक्सपेंशन हो रहा है। तो मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास में PCl5 से रिलेटेड रिएक्शन है, PCl3 प्लस Cl2 ऐसे वाली रिएक्शन है, ये मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। तो जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस वाले सिस्टम के लिए, केवल इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं, कौन सा, PCl5 PCl3 Cl2, इसके इंडिविजुअल के लिए, मतलब मैं क्या मान के चलूं, ये मान के चलूं कि ये तो एक पूरा गैंग है, ये पूरा एक ग्रुप है और ये एक है। जब हम अंदर चले जाएंगे, पहले तो प्रेशर इन सब के कारण है, अब जैसे ही हम इसको एंटर कराएंगे तो हिस्सेदारी बदल जाएगी, मींस क्या होगा, अब हमारे पास में बदलाव आ जाएगा। इनके द्वारा प्रेशर और इनके द्वारा प्रेशर का सम टोटल के बराबर होगा, और अगर परसेंटेज बात करेंगे तो अभी तो ये 100% है, बाद में इसके एंटर होते इनका प्रेशर का परसेंटेज कम हो जाएगी, मतलब प्रेशर सिस्टम का इसके लिए कम हो रहा है, इसके लिए कम हो रहा है। मान लीजिए इसका 10 प्रेशर था, पहले इसे 2 और आ गया, टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। लेकिन पिस्टन ऊपर की ओर जैसे उठेगी तो 12 प्रेशर अब कितने में है, बड़े एरिया में है ना, तो कितना होगा, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 10/12, मतलब प्रेशर कम जैसा महसूस होगा। मतलब हमें क्या लगा के चलना, जब किसी गैस की एंट्री हम उसके अंदर करा देते हैं तो हम इस तरह से मान के चले, अगर पिस्टन मूव कर रही है कि जो सिस्टम है जिसके अंदर उसको एंटर कराया, उसका प्रेशर परसेंटेज कम हो रही है, प्रेशर परसेंटेज कम हो रही है, प्रेशर परसेंटेज कम होने का मतलब ऐसा वर्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे उसका अपना प्रेशर, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने का मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, प्रेशर कम होने का मतलब इधर, प्रेशर बढ़ने का मतलब इधर। दैट्स ऑल, ये हमारे पास में बातें आई किससे रिलेटेड, LC प्रिंसिपल। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे होते, मैंने आपसे कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें, कुछ सारे नहीं बता पाऊंगा भाई मैं, ठीक है? वैसे ही बच्चे मेरे को ये कहते रहते हैं कि सर आप तो 10 मिनट में रिवीजन करा रहे थे, आप 30 मिनट्स देते हैं। अरे यार ये मानो ना, चलो ठीक है मैं कोशिश तो 10 मिनट की कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या करूं, औरों की तरह जो वीडियोज है 10 मिनट में हवा में उड़ा देने वाली वो कर दूं, 10 मिनट की वीडियो के नाम पे मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूं, कुछ भी गलत बता दूं, नहीं यार ऐसा नहीं चाहता मैं। 30 मिनट जा रही है, आप 20 मिनट और बैठ जाओ, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं हो रहा आपका, अच्छी नहीं लग रही छोड़ दो ना, अच्छी नहीं लग रही 10 मिनट बाद छोड़ दो, 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट अच्छी लग रही है तो रिवाइज करिए। और ऐसे देखिए जो 6 आवर का चैप्टर है उसको मैं अगर आपके 30 मिनट या 40 मिनट में करा रहा हूं तो बेटर है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कैसे बता रहा हूं, कुछ बातें, मेरे पास में मान लीजिए PCl5 है, ऐसे लिखा PCl3 प्लस Cl2। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कंटेनर के अंदर दिया है,
ठीक है। अब अगर वो कहता है इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन इतना हो गया, तो प्रेशर को जैसे ही मैं इसके अंदर बढ़ाऊंगा या इसके अंदर कुछ भी करूंगा तो अल्फा चेंज होगा लेकिन के क्लोरीन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऐसा सवाल आपको जरूर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। के चेंज नहीं होता, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर मैं अल्फा का जिक्र करूंगा और इसके कुछ मोल दिए होंगे तो छोड़ देना, अगर मुझे केपी निकालना है तो ध्यान रखना वहां पर हमेशा क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लीजिए सीएल टू ले रहा हूं तो मोल्स ऑफ सीएल टू अपॉन टोटल मोल्स इंटू पी टोटल लेते हैं। तो अगर ये ए है, ये जीरो जीरो है, तो ये क्या होगा ए वन माइनस अल्फा ए अल्फा ए अल्फा, तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या होगा ए वन प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, ए ए क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब मोल्स कैंसिल हो गए, मोल्स गायब हो गए। केवल और केवल किसका जिक्र हो रहा होगा अल्फा का, किसका जिक्र हो रहा होगा परसेंटेज का, केवल हम परसेंटेज का जिक्र कर रहे होंगे। मतलब अगर परसेंटेज के क्वेश्चन दिया हुआ है तो ए का काउंटिंग मत करिए, क्या निकालते समय केपी निकालते समय, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके अंदर, एक क्वेश्चन इस तरह से हुआ, परसेंटेज से रिलेटेड बात मैंने करी। नेक्स्ट इज व्हाट, मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर PCl5 दिया एक कंटेनर के अंदर, अभी अभी बात कर रहे थे हम प्लस Cl2, वो आपसे कहता है इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा गैस की एंट्री करा दी किसी N2 की गैस की, तो हमारे पास में जो Kp निकालने की बात आएगा तो प्रेशर ऑफ Cl2 का मतलब क्या होगा मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ये जो प्रेशर टोटल होता है ये क्लोरीन का प्रेशर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास में ये दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था, ऐसा मैंने अपनी बुक्स में अपनी बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस करा रखे हैं, इनिशियल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था। इक्विलिब्रियम पे N2 की एंट्री कराने से, इक्विलिब्रियम पे N2 की एंट्री कराने से बताइए क्लोरीन कांस्टेंट क्या हो गया। तो प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर मत लगाइएगा, वो इनिशियल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर कब है, जब इनिशियल मोल इसके दिए हुए हैं और ये कितने हैं जीरो जीरो हैं, ये कितने हैं हमारे पास जीरो जीरो हैं। तो पहला वाला जो प्रेशर होगा इनिशियल दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोल, और इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर जो होगा वो इक्विलिब्रियम मोल्स के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम मोल्स किसके होंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सब कुछ। तो इस तरह का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे यहां यहां वैल्यू होगी, ये दिया होगा ये निकाल करके ये लगाइएगा, मतलब ये 2p टोटल कौन सा है इक्विलिब्रियम प्रेशर है। एक और क्वेश्चन आपका क्या बनता है इसमें, जब हम n टोटल की बात कर रहे होंगे तो ये n टोटल में सब आएंगे, मोल्स ऑफ PCl5 मोल्स ऑफ Cl2 मोल्स ऑफ PCl3 और मोल्स ऑफ N2, N2 के भी आएंगे, ये आएंगे N2 के भी आएंगे जो एंट्री हो रही है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात जो यहां समझाने की आपको, जिसको आपको समझ के चलना, मेरे पास में अगर उसने ऐसे कहा NH4HS मान लीजिए सॉलिड लिख दिया और हमसे कहता है NH3 प्लस H2S, ये भी गैस है ये भी गैस है, हमसे कहेगा Kp इज इक्वल टू बताना है ठीक है, या Kp इज इक्वल टू कुछ दिया है, कुछ भी बात कर सकता है। तो ध्यान रखना अगर मेरे पास में ये A दिया है, ये 0 0 दिया है और A इंटू वन माइनस, वो कहता है 20% टूट गया, 20% टूट गया ठीक है। तो मेरे पास में जब Kp निकालोगे तो प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S लोगे, इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो जब मैं प्रेशर ऑफ NH3 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा मोल ऑफ NH3 और टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, अभी तो मैं आपसे कह रहा था ये बात। तो मोल्स ऑफ NH3 मेरे पास में कितने हो गए ए अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो गए दिस प्लस दिस प्लस दिस, नहीं साहब ये नहीं लेने, यही समझाना था, सॉलिड के नहीं लेने हैं, बस केवल और केवल क्या लेना दिस प्लस दिस। सॉलिड तो प्रेशर डाल ही नहीं रहा है, सॉलिड जो है ये एटमॉस्फेयर ये प्रेशर ही नहीं डाल रहा, तो इसका पार्शियल प्रेशर में रोल नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ देना, बस उन्हें लेना। कितना लेंगे टोटल में, गैसियस को लिया करते हैं केवल, नीचे किसको लेते हैं टोटल मोल्स कौन से गैसियस, ए अल्फा प्लस ए अल्फा इंटू जो भी टोटल प्रेशर होगा, ये रिमेंबर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर इसमें N2 की एंट्री करा देते मतलब गैस की एंट्री करा देते तो इसके मोल्स को हम लिख देते हैं, तो एक्सटर्नल अगर कोई गैस है वो कंसिडर हो जाता है और इंटरनली मतलब आपके सिस्टम का कोई अगर सॉलिड है तो वो कंसिडर नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। और भी हैं सवाल, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो हमसे कहेगा प्रेशर ऑफ NH3 और प्रेशर ऑफ H2S के बीच में ग्राफ खींचिए, इसके वर्सेस
ग्राफ कीजिए, जेई वगैरह के लिए हम बात कर रहे हैं, नीट के किसी के लिए, मिक्सर बात चल रही है तो मिक्सर थॉट्स या प्रोसेस को, चीजों को हायर करा जा सकता है या हायर भी होती है। मैंने बहुत बहुत हायर टाइप की प्रॉब्लम्स बता रखी हैं पैकेज के अंदर, मैंने बहुत बहुत हायर टाइप की प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप की मिक्सर किसी भी लेवल की, लेकिन यहां मैं रिवाइज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। तो प्रेशर ऑफ दिस से कैसे होगा, केपी इज इक्वल टू क्या है, पी एन एस थ्री इंटू पी एस टू एस, मेरे पास में ये दिया हुआ है। केपी क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, इसको चेंज करोगे तो इसे चेंज होना पड़ेगा, इसको चेंज, इसे टू, मान लीजिए टू इंटू फोर है, इसे टू करोगे तो ये फोर होगा, मतलब ये एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे। तो ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है और ये कॉन्स्टेंट है, ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, के, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन एक्स, ये होगा, मतलब ये इधर वाई है, ये इधर एक्स है, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ एस टू एस और प्रेशर ऑफ एन एस थ्री के बीच का ग्राफ क्या होगा। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, ये भी पी है तो वो भी पी हो जाएगा, ये पी है तो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, इन दोनों के प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है, तो दो के मल्टीप्लीकेशन अगर कॉन्स्टेंट होता है वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कल भी एक ग्राफ बताई थी, तो ग्राफ के तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, लिमिट है। मैं आपका फोकस कर रहा हूं कि इधर को भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके नोट्स बनाए, जो आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया या मैंने आपको बताया रखा किसी ने, तो इधर को भी थोड़ा सा अपना फोकस रखिएगा। कैसे, हमसे वो कहता है कि पी टोटल हमारे पास में 40 है, ठीक है, हमसे कहता है केपी बताइए इस केस में क्या होगा, तो पी टोटल का मतलब क्या है, अगर ये कुछ भी है तो ये अगर पी है तो ये भी पी होगा। केपी इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है, पी ऑफ एन एस थ्री प्रेशर ऑफ एन एस थ्री इंटू प्रेशर ऑफ एस टू एस, ये होने जा रहा है। प्रेशर ऑफ एन एस थ्री कितना है, पी है, प्रेशर ऑफ एस टू एस कितना, पी है, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ एन एस थ्री प्रेशर ऑफ एस टू एस इज इक्वल टू टोटल पी, और टोटल पी कितना है, 40, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 40, ये अगर पी है, ये अगर पी है तो ये कितना है, 40 है, तो पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 20, यहां लगा दो। कभी कभी उल्टा सवाल पूछ लेता है, क्या कहेगा, टोटल प्रेशर दिया होगा और हमसे केपी पूछेगा। मान लीजिए मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कैसा क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास में वो आपसे कहता है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है NH2CO NH4, ऐसे करके दे दिया समथिंग कुछ भी, ठीक है, और ये बन गया NH3CO2, यहां 2 है, 2NH3 प्लस CO2 समथिंग, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, हमसे कहता पी टोटल बताइए, अगर के पी की वैल्यू समथिंग 36 कह दिया, 64 कह दिया, कुछ भी कह सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी कह सकता है, तो हमारे पास में क्या होगा, केपी इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है, प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। अगर ये पी है तो ये 2P है, वो पी है तो ये 2P है, ये सॉलिड है छोड़ दिया, तो ये पी है, ये कितना होगा, 2P का स्क्वायर, ये कितना दिया है, 64, तो 64 इज इक्वल टू क्या होगा, P³ × 4, इससे इसको कैंसिल करा, या मान लो और अच्छा कैलकुलेट करने के लिए 32 हो गया, मान लीजिए ये तो मैं कैलकुलेशन को इजी करना चाह रहा हूं, 32 हो गया, जब इससे हम इसको काटेंगे 8 आ जाएगा, तो P³ = 8, तो P = कितना होगा, 2 होगा। टोटल प्रेशर कितना हो रहा है, दिस प्लस दिस, मतलब 3P, मतलब 3 × 2, मतलब 6, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बी रेडी, तैयार रहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आप सॉल्व कर लेंगे, बिलीव मी आप सॉल्व कर देंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें हुई हैं, ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, ठीक है, इसी के ऊपर मैं आपसे तब से बात कर रहा था, इसी के ऊपर मैं आपसे तब से चीजों को समझा रहा था, और यहीं पर हमारा सारा गेम चल रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस और भी हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे भी, मैंने बार बार आपसे की कि कुछ क्वेश्चंस को करते समय इस तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में बहुत भरे हुए हैं, बहुत भरे हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, हमसे कह देगा सी, वो कहेगा इनिशियल मोल्स दोनों के सेम है,
बताइए इक्विलिब्रियम पे किसके मोल्स ज़्यादा और कम होंगे, आराम से देख सकते हो। यहाँ से अगर एक्स निकलता है तो यहाँ से कितना निकला है 2x, तो ये 23 से कम हो रहा है, तो इसके मोल्स कम हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि विच इज़ हैविंग लेसर मोल्स, या डायरेक्शनली भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहता है ए प्लस बी से हमारे पास सी प्लस डी दिया हुआ है, ये 2 2 2 2 दिए हैं, के इक्विलिब्रियम हमारे पास 4 है, बताइए इक्विलिब्रियम पे कितनी परसेंटेज किसकी होगी या कितने मोल्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका क्यू, क्यू इज इक्वल टू दिस दिस अपॉन दिस दिस, तो 4 अपॉन 4 दैट इज 1, तो क्यू की वैल्यू कम है के इक्विलिब्रियम से, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी फॉरवर्ड, तो क्या बनेगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स दिस दिस अपॉन दिस दिस सॉल्व हो जाएगा, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। कैसे, जब भी हमारे पास सभी के मोल्स दिए हों या कुछ भी मोल्स दिए हों, सबसे पहले क्यू निकाल लो, उससे डायरेक्शन पता चल जाती है हमें जाना किधर है, हमें जाना किधर है। तो क्वेश्चंस और भी तरह के हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं पर हमसे क्या कह देगा, हमसे कहेगा कि ऐसे ए जी प्लस दिया हुआ है, या कहीं पर ए आई माइनस दिया हुआ है, इतना पीपीटी बन गया, वो सारी बातें आगे की ओर एक्सपेंड हो जाती। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के सारे सवाल आपको करके जाने हैं, सारी चीज़ें करके जानी है, ठीक है। कि क्वेश्चंस के टाइप क्या क्या आ सकते हैं वो मैं सब आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, कहीं पे पीपीटी होगा, कुछ डिसॉल्यूशन करा देगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने कौन सा करा, अभी हमने सॉल्व करा आपके सामने केमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँगा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे कुछ भी नहीं बता रहे यार, तो सर बड़े सीरियस हो गए, किसी 2-3 दिन पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, नहीं नहीं यार बता रहा हूँ मैं, अब आपको लिए पीडीएफ लिंक की बात कर रहा हूँ, पीडीएफ लिंक, यस। तो हम गूगल ड्राइव पर पीडीएफ लिंक आपके नीचे की ओर मिल जाएगा, और साथ में हमारा एफवी पेज जो कि अभी मेरे ऊपर आ रहा होगा बार बार, कि डाउनलोड द पीडीएफ, सी द पीडीएफ लिंक ऑन अवर एफवी फेसबुक पेज। कई बच्चे कह रहे सब फेसबुक नहीं देखते, फेसबुक पर हम जाते हैं तो फिर जाना कहाँ कहाँ जाने लगते हैं, नहीं भैया काम के लिए जाना है इस बार, हमारे लिए जाना, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक भी आपको दे दें, वहाँ से आप पीडीएफ को अपना देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यही हमने एक प्रोसेस आपके लिए अडॉप्ट की हुई है, यहाँ पर पॉइंटर्स में मैंने आपको क्या दिया, पीडीएफ्स दिए हुए हैं, माइंड मैप्स भी दिए, ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, करते रहेंगे। जितनी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा सकता हूँ उतना करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आयनिक, आयनिक के बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो के बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कोऑर्डिनेशन, तो 25 तक मैं आपको कोऑर्डिनेशन तक ले जाऊंगा, 25-26 तक कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में आपको क्या क्या दिमाग कहाँ कहाँ लगेंगे, कैसे कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो मेन फोकस मेरा इधर की हो रही है अभी, तो बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, और आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हमारे लिंक से मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव लिंक से, और साथ में फेसबुक पेज से, वहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चीज़ों को, जिससे कि आपको पता चलता रहे, हो सकता है एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, और अच्छे से करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, स्टाइलिश रहिए, हीरो की तरह रहिए, यही है। और आपके पास कोई उपाय नहीं है केवल पॉजिटिव बने रहने के लिए, पॉजिटिव बने रहिए, मत ध्यान दीजिए लाइक और डिसलाइक पर। आप कहेंगे सर क्यों ध्यान नहीं दें, अरे ठीक है तुम्हें ध्यान देना मेरी वीडियो पर, क्यों सर डिसलाइक बहुत हो गए, नहीं नहीं लाइक बहुत हो गए, नहीं नहीं अरे सारे उनसे ध्यान नहीं करते। कल एक बच्चे ने लिख दिया कि सर 152 हो गए हैं लाइक और 0 डिसलाइक, सर अभी तक कोई नहीं आया। यार उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एक भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे दे, हिम्मत दे दे। जब मैं आपको फटाफट इतनी जल्दी रिवाइज करा सकता हूँ, तो यार खुद सोचो ना तुम कितना जल्दी करो, हाफ एन आवर लेकर के मैं केमिस्ट्री रिवाइज कराने के लिए तैयारी कर रहा हूँ आपकी, तो सोचो दो तीन घंटे दे करके तो तुम और भी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो यार, सारे चैप्टर हो जाएंगे, कूल रहे हो। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर के 10-15 ईयर के क्वेश्चन जरूर करते रहने, जरूर करते रहते हैं। इनऑर्गेनिक में सब पे निशान लगा लेना, जो जो आंसर्स हैं, जो रियल आंसर्स हैं उनको निशान लगा लेना और उन्हें याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ थोड़ी देर में, 5-7 मिनट में, ऐसी स्टाइल में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तब तक के लिए बस एक ही बात कहूँगा, चलो छोड़ो, बाद में लोग कहते हैं डायलॉग मानने लगता है, चलो आदत से बाज नहीं आता, आईआईटी के टाइम से बाज नहीं आता, हर एक की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। कोई ये कहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर, लोग तुम्हें कहने लगे सचिन तेंदुलकर कितने लग रहा, सचिन तेंदुलकर खेल रहा, तो तुम्हारी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई यार। कल को कोई तुम्हें कहने लगता है कि तुम समथिंग, मान लो कि तुम यार कुछ भी एक्स वाई जेड हीरो की तरह बोल रहे, आमिर खान की तरह लग रहा, अमित खान की तरह बोल रहा, तो तुम्हारी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना। तो ऐसी मेरी कुछ है, बोलने की आदत है, बोलने पड़ता है, अच्छा लगता है। सुबह था, अब शाम को 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं,
7 बजेंगे 8 बजेंगे तब भी ऐसी मस्त मस्त एकदम से, ये तो मेरी आदत है, क्या कर सकता हूँ, तो बोल दूँ हैं, बोल दूँ, एक ही चीज़ है। बहुत पुराना सा डायलॉग है, कर खुदी को बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है, इफेक्ट है। मतलब अपना मेहनत अपनी जर्नी इतनी स्ट्रांग कर लो कि एक्सक्यूज ना बचा रह जाए, ऊपर वाले भी कह रहे यार चल को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है तो कर दो बुलंद, लगे रहो पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो, दोस्तों से बात करो तो भी पूछे ओए बता ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, बता फेरिफेरोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है, चॉकलेट कलर क्या होता है, टाइटेनिक क्या होता है, एक गड़बड़ हो गई यार मेरे से, सॉलिड स्टेट में ना 58 की जगह 68% था, वो हो जाता है कभी भी। अब मैं फिर बताऊंगा कहाँ से आया था, 3 रात से सोया नहीं था, सेमिनार वगैरह में इधर उधर भागने भूगने में 3 रात से सोया नहीं था, इधर भाग उधर भाग उधर भाग, तो हो गया ऐसा काम 2 ही बार हो पाता है, या तो आदमी नशे में हो टल्ली हो या नींद में हो, तो उस दिन वाकई नींद में था, फिर समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ, आज नहीं हूँ, आज बढ़िया से पढ़ाया, आज कोई गलती नहीं हुई है, आईनिक में भी गलती नहीं होगी, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है तब तक के लिए।